हेलो फ्रेंड्स, एलजी आर स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं, और आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। यह चैप्टर जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर में केवल 3 कंसेप्ट आपको पढ़ाई करना है, जो कि काफी सिंपल है। आप आराम से इस 3 कंसेप्ट को समझ पाएंगे और इस चैप्टर से संबंधित सभी क्वेश्चन आप एक बार में समझ जाएंगे। और इसका खासियत यह है कि इस छोटे से चैप्टर से आपके एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 10 11 हो सकता है, लेकिन ये 10 कभी भी 9 नहीं हो सकता है। तो इसके दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, सिंपल है और मार्क यहाँ पे 10 है। इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आपका यह जो है होने वाला है। तो शुरू करेंगे आज का क्लास। आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर 8 और 9 के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी चैप्टर के क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जब कभी भी हम कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके कंसेप्ट को और उसके जितने भी फार्मूला होते हैं उसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना जो है चालू कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। निर्देशांक ज्यामिति वैसे आप लोग 9th में भी पढ़ाई किए होंगे, तो वहां से भी बहुत सारा चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इसलिए ये चैप्टर आपका बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसा त्रिकोणमिति की तरह नहीं है कि त्रिकोणमिति में आप देखे थे कि नौमा में आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाई किए थे। तो त्रिकोणमिति एक नया चैप्टर था आप लोगों के लिए, लेकिन यह चैप्टर नया नहीं है। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को चलिए समझते हैं। देखिए, इसमें हम लोगों को ज्यामिति पढ़ना है, और किस प्रकार का ज्यामिति? निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि निर्देशांक आखिर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है हम अगले पेज पे चलते हैं और समझने की कोशिश कीजिए कि इस चैप्टर का जो मूल कंसेप्ट है वो क्या है। सबसे मुख्य अगर देखा जाए इस चैप्टर के लिए तो कार्तीय तल होता है। कौन चीज? कार्तीय तल। ठीक है, कार्तीय तल। कार्तीय तल जो है इस चैप्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो अब आप लोग जो लोग नहीं जानते हैं, हम कभी भी 0 से पढ़ाना चालू करेंगे, जो लोग नहीं जानते हैं कि कार्तीय तल क्या होता है, तो कार्तीय तल आप लोग ऐसे 9th में देखे होंगे। जो लोग नहीं जानते समझिए कार्तीय तल होता क्या है। आप सभी जानते हैं कि जो आपका क्षैतिज अक्ष होता है, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, इस तरह से जो हम रेखा लेते हैं, इसको बोलते हैं y अक्ष। क्या बोलते हैं? y अक्ष। तो यहाँ पर आप नाम देंगे y, और ये माइनस y या नहीं तो y डैश आप लिख सकते हैं। और ये होगा x, और इधर होगा माइनस x या नहीं तो आप x डैश भी लिख सकते हैं। तो ये जो अक्ष है y से लेकर के माइनस y तक, इसको हम लोग कहते हैं y अक्ष। क्या कहते हैं? इसको y अक्ष कहते हैं। तो इसमें समझ लीजिए कि आखिर क्या बातें हैं। ठीक है, इसको y अक्ष हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y अक्ष बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं माइनस x से लेकर के जा रहा है x के तरफ, तो ये जो रेखा है, इस रेखा को यहां से लेकर के यहां तक जो है, इसको हम बोलते हैं x अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग x अक्ष के नाम से जानते हैं, x अक्ष। तो आखिर ये x अक्ष और y अक्ष होता क्या है? तो देखिए, x अक्ष आपने समझा और y अक्ष समझा, अब बात समझिए कि आखिर क्या होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचने से हुआ क्या? सो देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचने से क्या हुआ, इस बातों को अभी आप एक पॉइंट में समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि इतना एरिया था पहले, ठीक है, और इस एरिया में जब आपने क्या किया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचा, तो यह एरिया जो है 4 भागों में बट गया। फर्स्ट भाग ये होता है, ये सेकेंड भाग, ये थर्ड भाग, और ये होता है फोर्थ भाग। तो इसी को हम लोग जो है कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, या कार्तीय तल कहते हैं। ये जो पूरा एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचने से ये जो एक तल बना 4 भागों में, ये तल क्या हो रहा है, बट रहा है, इसको हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। अब एक्स अक्ष के बारे में कुछ आप जानकारी ले लीजिए। देखिए, ये जो पॉइंट होता है जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष आकर के मिली है, ये पॉइंट होता है 0। इसके बाद आप 1 2 3 4,
आप दो के बीच में समान दूरी लेंगे, ये एक होगा, ये दो होगा, ये तीन होगा, ये चार होगा, इधर आप ले लेंगे माइनस एक और इसके बाद माइनस दो, माइनस तीन, इस तरह से आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो एक्स अक्ष के बारे में आपने समझा कि जीरो के दाहिने तरफ प्लस में लेंगे और जीरो के बाएं तरफ माइनस में लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर प्लस लेना किधर माइनस लेना है, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए कि इस जीरो पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये हो गया दाहिने तरफ और ये हो जाएगा बाएं तरफ, तो दाहिना हाथ कभी भी पॉजिटिव होता है, ये समझिएगा, ठीक है, अच्छा होता है, और बायां हाथ क्या होता है आप नेगेटिव नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा जो वैल्यू देते हैं किसको, दाहिना हाथ को देते हैं, तो दाहिना हाथ प्लस, बायां हाथ क्या होगा माइनस होगा, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अब वाई अक्ष में ऊपर जो होगा, ऊपर एक दो तीन चार आप ले सकते हैं, ये एक है, ये दो मान लीजिए, ये तीन ले लीजिए, ठीक है, और नीचे लेंगे एक दो तीन, तो ये माइनस एक होगा, ये माइनस दो होगा और ये माइनस तीन होगा। तो वाई अक्ष का कहानी क्या है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे ये सर चार तक ही फिक्स है, नहीं ये चार तक फिक्स नहीं, यहाँ पे जो तीर का निशान लगा हुआ है या ये तीर यह कहता है कि ये कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है, पांच सात आठ दस कितना भी आप आगे क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बनता है कंप्लीट कार्तीय तल। अब कार्तीय तल ये कंप्लीट बनता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष आप समझ ही गए हैं। अब समझिए ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को कहते हैं हम लोग मूल बिंदु, क्या कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है, इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, याद रखेंगे ये आप, इसका हम पीपीटी तैयार करके रखे हैं, वो हम आपको अभी दिखाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी हम केवल समझा रहे हैं उसको, समझते चलिए। तो ये जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष आके मिलती है उसको क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0.0, जो कि सिंपल सी बातें हैं, आपको हमेशा याद रहेगा और कितना बार इसको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, पिछले साल में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उसको, तो आपको पता चल जाएगा। तो जो ये बिंदु है इसको क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। अभी हम इसको समझा देते हैं केवल और मिटा देते हैं, इसका हम आपको पीपीटी दे देंगे, उसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो मोबाइल ऐप पर आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, ठीक है। चलिए अब बात समझिए, ये जो दो रेखा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इससे ये चार भागों में ये तल क्या हो रहा है बट रहा है, तो इसको कहते हैं चतुर्थांश एक, और इसको कहते हैं चतुर्थांश दो, और इसको कहते हैं चतुर्थांश तीन, और इसको कहते हैं चतुर्थांश चार, ठीक है। तो एक दो तीन चार किसको कहते हैं वो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये जो है ये कहलाएगा एक, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश कहलाएगा। तो चतुर्थांश एक दो तीन आप समझ गए होंगे। अब बात आती है चिन्ह का, तो आपको बता दें चतुर्थांश एक जो है उसका चिन्ह होता है प्लस कॉमा प्लस, क्या होता है प्लस कॉमा प्लस। चतुर्थांश दो जो है इसका चिन्ह होता है माइनस कॉमा प्लस, इसका चिन्ह क्या होता है माइनस कॉमा प्लस होता है, और चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो होगा माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। और चतुर्थांश चार का जो चिन्ह होगा वो होगा आपका एक्स वाई होता है, तो ये होगा प्लस कॉमा माइनस, ये क्या होगा प्लस कॉमा माइनस होगा। तो आपने चिन्ह भी समझा, एक्स अक्ष समझा, वाई अक्ष समझा, इसके बाद चतुर्थांश एक दो तीन चार समझा, इतना आप जो है इसमें समझेंगे। चलिए अब इस चीजों को हम आपको पीडीएफ के मदद से क्या करते हैं समझाने की जो है कोशिश करते हैं, ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें आपको और भी अधिक चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों का वीडियो क्वालिटी अगर कम से कम 420 क्वालिटी पर आप देखेंगे, 420p क्वालिटी पे, तो अच्छा से आपको दिखेगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसी चीजों को हम पीडीएफ के रूप में भी तैयार किए हैं। ये क्या है, इसको हम कार्तीय तल या चतुर्थांश भी बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं या फिर चतुर्थांश बोलते हैं। तो समझिए इसमें देख लीजिए, ये आपका वाई अक्ष था, ये एक्स अक्ष था। अब इसमें भी हम आपको बताए थे सारा चीज, अभी हम क्लियर किए हैं कि जो ये बिंदु होगा, इस बिंदु का क्या नाम होगा, इस बिंदु का नाम होगा मूल बिंदु, देख सकते हैं कि मूल बिंदु है 0.0 है। अब इसमें जो पॉइंट छिपा हुआ है, इस पॉइंट को समझने की जो है कोशिश कीजिएगा कि आखिर इसमें आपको क्या क्या समझना है। तो चलिए अब जो है हम इधर ही चलते हैं और इधर के चीजों को क्या करेंगे समझेंगे, जो कि इसमें हम आपको क्या किए हैं बताए हैं। तो समझिए कि आखिर किस तरह से आपको इसमें ये सब आपको क्या बताता है। तो इसको हम क्या करते हैं अब आगे जो है समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या है। अब देखिए, अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि चतुर्थांश एक जो होगा उसका चिन्ह प्लस कॉमा प्लस होगा,
चतुर्थांश दो जो होगा उसका चिन्ह माइनस कॉमा प्लस होगा, चतुर्थांश तीन जो होगा उसका चिन्ह माइनस कॉमा माइनस होगा, चतुर्थांश चार का प्लस कॉमा माइनस होगा। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या जरूरी है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो समझिए कि इसका जरूरी क्या है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, या फिर आपको पता भी होना चाहिए कि एक बिंदु दे देगा, कहेगा कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 3.5, तो बताइए कि यह बिंदु किस चतुर्थांश का बिंदु है। तो उस स्थिति में आपको इस चिन्ह के मदद से ही बताना पड़ेगा कि ये बिंदु किस चतुर्थांश का बिंदु है। तो देखिए 3.5 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 3.5 किस चतुर्थांश का बिंदु है। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये चतुर्थांश एक का है, कि चतुर्थांश दो का है, कि चतुर्थांश तीन में जाएगा, कि चतुर्थांश चार में जाएगा। तो हम ये पता करते हैं चिन्ह से। देख रहे हैं कि तीन भी प्लस में है और पांच भी प्लस में है, मतलब दोनों प्लस में है। तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि चतुर्थांश एक का बिंदु है। क्यों? क्योंकि चतुर्थांश एक में ही दोनों प्लस होता है, प्लस कॉमा प्लस, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं चतुर्थांश। ये आप याद रखेंगे कि इसमें जो भी पॉइंट आएगा वो सारा का सारा प्लस होगा। ये पॉइंट देख रहे, इससे इधर और इससे इधर, ये जो एरिया है, इस एरिया में अगर कोई भी पॉइंट आता है तो उसका जो चतुर्थांश होगा वो क्या होगा, प्लस कॉमा प्लस होगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि यह कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, ये है पॉइंट ए, ठीक है। तो इस पॉइंट का आपको निर्देशांक पूछेगा कि बताइए इस पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा। तो इस पॉइंट का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, कोई भी पॉइंट दे दिया गया आपको, इसे कार्तीय तल खींच देगा, बोलेगा कि बताइए कि, और इस कार्तीय तल में कहीं पॉइंट देगा, मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट दे दिया, यहाँ पॉइंट दे दिया, तो अगर कहीं पॉइंट दे देगा तो आपको उसका निर्देशांक कैसे निकालना है। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले आप उसको सीधा सीधा कहाँ गिराएंगे, एक्स अक्ष पे। ये 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री के कोण के साथ आप एक्स अक्ष पे इसको गिराएंगे। तो ये एक्स अक्ष पे कहाँ पे गिर रहा है, चार पे। तो इसका जो फर्स्ट निर्देशांक होगा, एक्स निर्देशांक होगा चार, और इसको सीधा सीधा हम वाई पे ले जाएंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कहाँ जाएगा, वाई पे जाएगा। तो ये वाई पे कहाँ गया, तीन पे गया, तो ये हो गया तीन। तो इस तरह से बिंदु ए का जो निर्देशांक हुआ वो क्या हुआ, 3.4 हो गया। बिंदु ए का निर्देशांक कितना हो गया, 3.4। अब यहां से भी बहुत सारे आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए, इसको कहते हैं हम लोग एक्स निर्देशांक। क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक कहते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, जो पहले आएगा उसको कहते हैं एक्स निर्देशांक, और एक्स निर्देशांक को ही हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। याद रखिएगा कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज। और ये जो पॉइंट है, ये जो है तीन, इसको कहेंगे हम लोग वाई निर्देशांक। क्या कहेंगे, वाई निर्देशांक। हल्का इधर कर लेते हैं, ठीक है, इसको हल्का अच्छा से लिख देते हैं। ये क्या है, आपका भुज है, और इधर जो है ये देख सकते हैं, ये जो वाई निर्देशांक होगा, ये वाई निर्देशांक, ये क्या कहलाता है, वाई निर्देशांक। और वाई निर्देशांक को हम लोग कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहां से आपने एक कंसेप्ट सीखा कि जो भी पॉइंट है उसका दो निर्देशांक होता है, फर्स्ट वाले को एक्स निर्देशांक बोलते हैं, जो दूसरा है इसको हम लोग वाई निर्देशांक बोलते हैं। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो भी किसी भी पॉइंट का जो निर्देशांक होगा वो एक्स कॉमा वाई के रूप में होता है। किसके रूप में, एक्स कॉमा वाई के रूप में। पहला होगा एक्स निर्देशांक, दूसरा होगा वाई निर्देशांक। और एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो पहले एक्स तब वाई, पहले भुज तब कोटि। इस तरह से आप इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, एक्स निर्देशांक क्या है, वाई निर्देशांक क्या है, चतुर्थांश एक दो तीन चार कौन है, किस चतुर्थांश का कौन सा चिन्ह होता है, ये देखा आपने। इसको मिटा देते हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आपको क्या करेंगे, उसको दिखा देंगे। अब एक क्वेश्चन और हम आपको जो है पूछते हैं, तो आप बताइएगा कि ये किस पॉइंट, किस चतुर्थांश का बिंदु है। देखिए, हम अगला क्वेश्चन देते हैं। बी का निर्देशांक है -3.5, तो आप बताइए कि -3.5 जो है वो किस चतुर्थांश का बिंदु है, मतलब किस चतुर्थांश में ये जाएगा। तो आपका जवाब क्या होगा, अब आप कैसे बताएंगे कि बी बिंदु जिसका निर्देशांक -3.5 है
वो किस चतुर्थांश का बिंदु है, आप ये बात कैसे बता पाएंगे, तो चिन्ह के मदद से। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट का चिन्ह है माइनस और इसका जो पांच है उसका प्लस है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि क्या है माइनस कॉमा प्लस। और आपको याद रखना है कि माइनस कॉमा प्लस किसका होता है, तो चतुर्थांश दो का होता है। इसका मतलब है कि बिंदु बी जो है वो दूसरे चतुर्थांश का बिंदु है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ये जो चिन्ह दिया गया उसके मदद से ही आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और आप इसको एक बार अच्छा से देख लीजिए, इसमें क्या क्या समझाया गया है, सारे बातों को आप एक बार समझ लीजिए और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको मोबाइल ऐप में मिल जाएगा इसका पीडीएफ, तो वहां से भी आप लोग पीडीएफ पढ़ाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए सारा चीज यहाँ पर सेम टू सेम उसी तरह से समझाया गया है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा चीज आपको दिख रहा होगा, एक एक करके हम आपको समझा देते हैं। ये देख सकते हैं कि ए था तो इसको हम एक्स निर्देशांक बोले हैं जिसको भुज बोला गया है, और जो छ है उसको वाई निर्देशांक बोले हैं जिसको कोटि बोला गया है। तो ये आप समझ गए, इसका नाम होता है चतुर्थांश एक, इसका नाम होता है चतुर्थांश दो, इसका नाम होता है चतुर्थांश तीन, और इसका नाम होता है चतुर्थांश चार। आपने यहाँ पर देखा कि चतुर्थांश एक का हम प्लस कॉमा प्लस दे रहे हैं, चतुर्थांश दो का माइनस कॉमा प्लस चिन्ह होता है, चतुर्थांश तीन का माइनस कॉमा माइनस होता है, चतुर्थांश चार का प्लस कॉमा माइनस चिन्ह होता है। प्लस कॉमा माइनस चिन्ह होने का क्या कारण है देख लीजिए, इस चतुर्थांश में एक बिंदु है भी जिसका निर्देशांक है दो कॉमा माइनस चार, तो देख सकते हैं कि पहला प्लस होगा और दूसरा क्या होगा माइनस होगा, यही इसका अर्थ है। माइनस प्लस कॉमा माइनस कहने का अर्थ है कि इस चतुर्थांश में अगर कोई भी बिंदु आएगा तो उसका जो चिन्ह होगा वो प्लस कॉमा माइनस के रूप में होगा। फिर मूल बिंदु तो अभी हम आपको समझा ही दिए हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो कॉमा जीरो होता है, सिंपल सी बातें हैं। अब एक बात आप ध्यान से समझने की और कोशिश यहाँ पर कीजिए कि अगर कोई भी बिंदु अगर चतुर्थांश में नौ हो करके अगर अक्ष पर हो, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर वाई अक्ष पे एक बिंदु है, हल्का पेन का कलर हम चेंज कर देते हैं, समझिए इस बातों को। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि एक बिंदु हम जो है ये मान लेते हैं, ये एक बिंदु है, तो अगर बिंदु अगर कहाँ पे आ जाए आपके इस पे आ जाए, किस पे अक्ष पे, अगर बिंदु अक्ष पे आ जाएगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जब बिंदु अक्ष पे आ जाता है तो उसका जो निर्देशांक है वो ये जो बिंदु है, देखिए यहाँ से अगर आप एक्स अक्ष पे गिराते हैं तो कहाँ जाते हैं, एक्स अक्ष पे जाते हैं तो जीरो पे जाते हैं, तो एक्स निर्देशांक इसका जीरो हो जाएगा। और वाई अक्ष पे ये कहाँ पे है, वाई अक्ष पे ये जो है देख सकते हैं कि पांच पे ही है, तो पांच पे, तो वाई का मान इसका क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि अगर कोई भी बिंदु वाई अक्ष पे होगा तो उसका एक्स निर्देशांक जीरो होगा और वाई निर्देशांक वाई होगा, यानी कि जहां पे होगा वो उसका मान होगा। उसी तरह से अगर यह बिंदु मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, तो एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है तो ये एक्स पे कितना है, देख सकते हैं कि एक्स पे तीन है, तो एक्स निर्देशांक इसका तीन हो जाएगा। और वाई पे जब आप इसको मिलाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये जीरो पे जा रहा है, तो वाई का मान इसका क्या होगा जीरो होगा। तो यहाँ से आप एक कंसेप्ट याद रखेंगे कि अगर कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पे होगा तो उसका एक्स निर्देशांक तो जो जहां पे वो होगा, जैसे यहाँ पे तीन पे है तो तीन है, लेकिन वाई निर्देशांक क्या होगा इसका जीरो होगा, ठीक है। अगर एक्स पे है तो वाई निर्देशांक जीरो, और अगर बिंदु वाई अक्ष पे है तो एक्स निर्देशांक जीरो होगा, इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए ये सब तो आपका नाइन्थ का ही चीजें हैं, सभी नाइन्थ में आप लोग पढ़ाई किए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगले कंसेप्ट को समझते हैं। अब हम आपको बताए थे कि टोटल तीन कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो तीन कंसेप्ट में है कौन, फर्स्ट नंबर पे आता है दूरी सूत्र, कौन सा सूत्र है दूरी सूत्र, दूसरा में है विभाजन सूत्र, कौन सा सूत्र है विभाजन सूत्र, और तीसरा जो आपको पढ़ाई करना है वो करना है क्षेत्रफल सूत्र, क्षेत्रफल सूत्र। यानी कि ये तीन सूत्र ही आपको इस चैप्टर के लिए क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो चलिए वन बाय वन करके इस तीनों सूत्र को क्या करते हैं हम लोग ध्यान से समझते हैं और पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लिए पहले से जो है तैयार है पीपीटी, अब आप यहाँ पर उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग सोचे समझेंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र में हम लोग करेंगे क्या, इसमें आपको बता दें कि इस सूत्र से किसी दो बिंदु के बीच का दूरी निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बिंदु ये है और इससे दूर कोई बिंदु ये है, और बोल दिया गया कि यह बिंदु क्या है P है, ये बिंदु P है और इसका निर्देशांक है x1, y1,
ये बोल दिया गया, और इसका नाम मान लीजिए कि आपको दे देगा Q, और इसका निर्देशांक आपको दे दिया गया x2, y2, और आपको बोला कि P से Q के बीच का दूरी निकालो, P से Q के बीच का क्या करो, दूरी निकालो। तो ये दूरी यानी कि P से Q के बीच का आपको दूरी निकालने के लिए जब बोला जाएगा, उस स्थिति में आप दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए दूरी सूत्र से संबंधित दो क्वेश्चन, दो टाइप का सूत्र बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये P बिंदु लिया है और ये Q बिंदु है। P का निर्देशांक आप देख सकते हैं कि x1, y1 होता है, और जो दूसरा बिंदु होगा उसका x2, y2 इसको हम मानते हैं, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, तो देख सकते हैं कि फर्स्ट सूत्र में क्या, किस स्थिति में हम बनाएंगे, किसी बिंदु P जिसका निर्देशांक x, y होगा और दूसरा बिंदु Q जिसका निर्देशांक x2, y2 होगा, उसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। किस सूत्र का, दूरी सूत्र का। और दूरी सूत्र होता क्या है, PQ बराबर √x2 − x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 − y1 का होल स्क्वायर होता है, और इसी सूत्र का नाम है दूरी सूत्र। इसी सूत्र का नाम क्या है, दूरी सूत्र है, क्योंकि इसी सूत्र से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो बिंदु के बीच के दूरी को क्या करते हैं, निकालते हैं। अब बातों को समझिए कि आखिर होता क्या है। ये PQ कहने का मतलब है P और Q के बीच का दूरी, P और Q के बीच का दूरी, ये AB हो सकता है, AB भी हो सकता है, ये आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर PQ मान रहे हैं। PQ का मतलब है P से Q के बीच का दूरी, और इसका सूत्र क्या है एक बार और पढ़ लीजिए, रूट अंडर देख सकते हैं कि ये आपका रूट बना है √x2 − x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 − y1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र होता है जनरली। लेकिन इसका दूसरा केस भी बनता है, दूसरा स्थिति भी बनता है। दूसरा स्थिति कब बनता है समझिए, दूसरा स्थिति में क्या हो जाए, किसी बिंदु P जिसका निर्देशांक x, y आपको दे दिया जाएगा, इसके मूल बिंदु से, मूल बिंदु हम आपको अभी बताए हैं कि मूल बिंदु क्या होता है, जहां पे x अक्ष और y अक्ष मिलता है, इसी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। तो मूल बिंदु से अगर आपको दूरी निकालना होगा, तो उस स्थिति में आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। किस फॉर्मूला का, तो ये जो फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, ये देख लीजिए, ये बिंदु O है जिसका निर्देशांक है, देख सकते हैं 0, 0। तो 0, 0 कहने का मतलब है कि ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से अगर किसी भी बिंदु का दूरी आपको निकालना होगा, जैसे देख लीजिए कि ये P बिंदु है, तो मूल बिंदु था O और ये P बिंदु है, तो मूल बिंदु से अगर किसी भी बिंदु का दूरी आपको निकालना होगा, तो आप इस सूत्र का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या है, OP बराबर √x2 + y2, ये x2 + y2 हुआ क्यों, इस बातों को तो हमें क्या करना होगा, समझना होगा। तो समझ लीजिए कि ये सूत्र कहाँ से आता है, कैसे आया है, ये जो सूत्र है, ये जो छोटा वाला जो सूत्र है, ये यहीं से आया है, और इसी को शॉर्ट करके बनाया गया है। क्यों, क्योंकि समझिए, ये जो होता है, ये होता है आपका मान लीजिए कि x1, y1 होता है, और ये है आपका x2, y2, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं, x1 का मान 0 ले लेंगे, y1 का मान 0 ले लेंगे, तो इसमें अगर आप x1 का मान 0 लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये जो आपका y1 है, तो यहाँ पे आपका y1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होगा तो क्या होगा, तो देख लीजिए, ये PQ था, तो मान लीजिए कि ये OP हो गया। अब रूट था, ये रूट देख सकते हैं, रूट था, तो ये रूट तो रहेगा ही रहेगा, और जब आप x2 में से 0 को घटाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये सॉरी x2 मिलेगा, ये x2 नहीं है, ये x2 है, तो x2 मिलेगा। तो x2 न लिख करके हम लोग इसको केवल क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो यहाँ पर इस कोष्ट में क्या बचा, x, और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो ये हो गया x2, और ये प्लस है बीच में, तो ये हम लोग प्लस ले लेते हैं। और फिर y2 में से जब आप 0 घटाएंगे, तो आपको y2 मिलेगा, तो y2 नहीं लेकर के हम लोग केवल y लेते हैं, तो यही कहलाता है y2। तो जब कभी भी मूल बिंदु से आप लोगों को किसी भी बिंदु का दूरी निकालना होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, √x2 + y2।
तो ये दूरी सूत्र आप लोग समझ गए होंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग दो बिंदु के बीच का दूरी निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, और जो अगला कंसेप्ट है वो है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में क्या हम लोग पढ़ते हैं, नाम से ही इसका स्पष्ट हो रहा है कि विभाजन क्या होता है, दो भागों में बांटना। विभाजन सूत्र क्या होता है, यह एक निर्देशांक होता है, किसी बिंदु का यह क्या होता है, निर्देशांक होता है। विभाजन सूत्र जो है, विभाजन सूत्र विभाजन बिंदु का निर्देशांक होता है। समझ लीजिए इस क्वेश्चन को अपने शब्दों में, जैसे कि मान लीजिए कि पहले था ये पॉइंट, ये मान लीजिए कि ए था, और यहां से कोई दूर ये था बी पॉइंट, ठीक है, ये आपका था बी पॉइंट। ए का निर्देशांक मान लीजिए एक्स वन कॉमा वाई वन था, और बी का निर्देशांक था एक्स टू कॉमा वाई टू, इसका क्या था, एक्स टू कॉमा वाई टू। तो अभी ये पूरा एकदम सॉलिड जो है रेखा है, और इसको विभाजित करना है हमें, मतलब विभाजन सूत्र के मदद से नहीं, इसको अगर इस रेखा को हम विभाजित करना चाहेंगे तो इसके बीच में हमें कोई पॉइंट देना होगा, कहीं भी आप पॉइंट दे सकते हैं, तो ये रेखा क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका ये हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक पॉइंट दे देते हैं, और मान लेते हैं कि इसका पॉइंट, इसका नाम पी है, ठीक है। तो इस पी बिंदु का ही क्या है, निर्देशांक है, कौन चीज, तो जो आपका विभाजन सूत्र है वो। तो देख लीजिए इसमें आखिर हमें काम कैसे करना होता है, ये जो P पॉइंट है, इस रेखा को किसी न किसी अनुपात में बांटा होगा, तो मान लेते हैं कि ये M1 है और ये क्या है, M2 है, यानी कि M1 अनुपात M2 में ये P बिंदु रेखा AB को क्या कर रही है, बांट रही है। तो इससे होगा क्या, तो इस स्थिति में आपको बोलेगा कि क्या करो, P का निर्देशांक निकालो। तो जो विभाजन सूत्र होता है वो इसी P का क्या होता है, निर्देशांक होता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि विभाजन सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक होता है कौन, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र है क्या, सो समझ लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वही स्थिति बना हुआ है, ये आपका बिंदु A था, ये आपका बिंदु B था, और दोनों को मिलाने से एक रेखा बन रहा था, और उस पर एक बिंदु हमने ले लिया, कौन, P ले लिया, और P बिंदु इस AB रेखा खंड को M1 अनुपात M2 में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो बांट जो रहा है, तो इस स्थिति में आपको बोला गया कि भाई P का क्या करो, निर्देशांक बताओ कि कितना कॉमा कितना होगा। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, P का निर्देशांक बराबर जो होता है वो M1 गुने X2 प्लस M2 गुने X1 बट्टे M1 प्लस M2। अब ये है क्या, देखिए M1 कौन है, ये है M1, और ये X2 कौन है, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका दूसरा बिंदु B का जो X निर्देशांक है उसको हम लोग X2 माने थे, और ये प्लस है बीच में, तो हम लोग प्लस ही लेंगे फार्मूला के अंदर कभी भी। और ये M2 कौन है, तो M2 है निर्देशांक, जो आपका दूसरा निर्देशांक है वो ये यहाँ पर होगा M2, ये जो भी आपका अनुपात है वो होगा M2, और ये X2 कौन है, तो X2 देख सॉरी X1 है, तो X1 कौन है, ये देख सकते हैं कि फर्स्ट बिंदु का जो फर्स्ट निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक है, ये है आपका एक्स वन, और नीचे में आपको एम वन प्लस एम टू लेना है। तो एम वन प्लस एम टू क्या होगा, ये दोनों जो आपके अनुपात है इसको क्या करना है, जोड़ देना है। कॉमा, कॉमा का मतलब है कि ये देख लीजिए आपका हो गया एक्स निर्देशांक, ये जो है ये क्या होगा एक्स निर्देशांक, और कॉमा के इस साइड होगा वाई निर्देशांक। तो वाई निर्देशांक में क्या होता है, एम वन इंटू वाई टू प्लस एम टू इंटू वाई वन, और बट्टे में एम वन प्लस M2, बट्टे में क्या होता है M1 प्लस M2 होता है, ठीक है। अब इसके लिए भी दूसरा आपको इसका भी दूसरा फार्मूला है, क्या है दूसरा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर कभी भी मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको पूछा जाए, देख लीजिए ये जो अनुपात है ये तीन अनुपात पांच भी हो सकता है, मतलब इधर तीन पार्ट है, उधर पांच पार्ट है, ठीक है। अगर ये रेखा आठ सीएम का था तो तीन सीएम इधर है, पांच सीएम इधर है, इसका मतलब यह है कि ये जो पॉइंट है पूरे बीच में नहीं है। इस स्थिति में अगर पूरे बीच में नहीं होगा तब हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे, और अगर पूरे बीच में आ जाएगा, अगर निर्देशांक ये जो अनुपात है ये M1 अनुपात M2 जो है वो एक अनुपात एक हो जाएगा, इसका मतलब जितना इधर है उतना ही इधर अगर हो जाएगा, तो ये हो गया पूरा बीच में, तो पूरा बीच में हो गया
तो उसके लिए ही हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या करते हैं, यूज करते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना है इस बातों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इस स्थिति में क्या होगा, ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जब कभी भी निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये है क्या, देख लीजिए कि आखिर ये होता क्या है। देखिए कोई बिंदु ए था और कोई बिंदु बी था, और उसके ठीक बीच में अगर आप कोई बिंदु पी ले रहे हैं, और तब इस पी का निर्देशांक निकालने के लिए बोला जाएगा। ये बीच में है या नहीं है किससे पता चलेगा, जब अनुपात एक अनुपात एक होगा तब इसको हम बोलेंगे कि ये बिंदु जो है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है यानी कि पूरे बीच में बिंदु है। तो अगर P मध्य बिंदु होगा तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, X1 प्लस X2 बट्टे 2, Y1 प्लस Y2 बट्टे 2 जो है ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए। ये जो मेन फॉर्मूला है इसी का शॉर्टकट है ये फॉर्मूला, ठीक है। इसमें अगर आप क्या करते हैं M1 और M2 के जगह पे 11 रख देंगे तो ये फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए बोला जाए तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे P का निर्देशांक बराबर X1 प्लस X2 बट्टे 2 कॉमा Y1 प्लस Y2 बट्टे 2 आप यूज कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब जो है इस क्वेश्चन, ये जो आपका है इसका आप जो लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट पर चलेंगे। और लास्ट जो आपका कंसेप्ट है वो है, देख सकते हैं कि आपके सामने आ चुका है क्षेत्रफल सूत्र, ठीक है। तो क्षेत्रफल सूत्र पढ़ेंगे और फिर कल से हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। 5 से 6 क्लास में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये चैप्टर कंप्लीट होते आप 10 नंबर आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। अब अगला जो सूत्र पढ़ना है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगला सूत्र क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब इसमें होगा क्या, देख लीजिए कोई त्रिभुज दे दिया गया, मान लीजिए कि ये ए बी सी डी कोई क्या था, त्रिभुज था, ठीक है। ये कोई त्रिभुज था और ये जो है ये ए है, और ए का निर्देशांक बोलेगा कि X1, Y1 है। ये जो कोण है ये आपका बी है, और इसका निर्देशांक आपको दे दिया जाएगा X2, Y2, और ये जो है वो सी है, और इसका निर्देशांक आपको दे दिया जाएगा X3, Y3। और इस स्थिति में बोलेगा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालो, क्या निकालो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/2 इंटू X1 इंटू Y2 माइनस Y3, फिर आप प्लस लेंगे, फिर X2 इंटू Y3 माइनस Y1 प्लस X3 इंटू Y1 माइनस Y2, ठीक है। इस फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये फॉर्मूला बहुत लंबा लग रहा होगा, तो लंबा लग रहा है तो इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, समझिए। बाहर में 1/2 होगा ही होगा, फिर बड़ी कोस्ट होगा, और देखिए ये जो छोटी कोस्ट है इसमें हमेशा वाई होगा। अब इसको भी वो याद करवा देंगे, अभी समझिए कि बाहर में क्या होगा, यहाँ होगा X1, यहाँ होगा X2 और यहाँ होगा X3। तो बाहर वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटी कोस्ट के अंदर वाले चीजों को समझिए कि छोटी कोस्ट के अंदर वाले चीजों को आप कैसे याद रख पाएंगे। यहाँ पे 1 होगा तो ये आप देख सकते हैं कि 2 होगा, और Y2 के बाद क्या होगा, 3 होगा। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, Y2 तो होगा ही होगा। अब देखिए हम लोग खत्म कहाँ से किए थे, Y3 से किए थे, तो जहां से खत्म करते हैं वहीं से अगला क्या होगा, चालू होगा। 3 से खत्म किए थे तो 3 से ही क्या होगा, चालू होगा। और देखिए कहीं पे आपको लिखा हुआ 1, 2, 3, तो आपको आपको एक बार 1, 2 लेना है, फिर 2, 3 लेना है, और फिर क्या करना है, फिर आप जब खत्म हो गया तो फिर क्या लेंगे, 3 लेंगे, और 3 से सीधे 1 पर जाएंगे। तो 3 जब यहाँ पे खत्म हो जाता तो फिर हम लोग कहाँ से चालू करेंगे, 1 से चालू करेंगे, और फिर 1 पे यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो 1 पे खत्म हो रहा है तो अगला 1 से ही क्या होगा, चालू होगा। मतलब जहां से खत्म हुआ वहीं से क्या होगा, अगला चालू होगा। और ये 1 है तो अगला क्या होगा, 2 होगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, या फिर बहुत सारे टीचर आपको बताए होंगे कौन सा फॉर्मूला, तो आपको बताए होंगे 123 और 231 और 312, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। 123 क्या है, 123 है कि यहाँ पर X1 होगा,
ये 2 होगा और ये 3 होगा, ठीक है। ये 231 का क्या मतलब है, 231 का मतलब है कि एक्स 2 होगा, वाई 3 होगा और वाई 1 होगा। फिर 312 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक्स 3 होगा, वाई 1 होगा और ये 2 है तो वाई 2 होगा। तो इस कंसेप्ट से भी याद रख सकते हैं, याद रखना है किसी भी तरीका से आप याद रख सकते हैं, या आप रट के रखें या फिर किसी तरह याद रखें, लेकिन याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैथ का तो यही खासियत है, फॉर्मूला याद नहीं तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए अगला एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको भी समझ लीजिए कि आखिर इसमें क्या दिया गया है। ये फॉर्मूला क्या है, ये होता त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक है ये। आखिर त्रिभुज का केंद्रक होता क्या है, इसको समझिए। मान लीजिए कि ये आपका कोई क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। ये रहा आपका कोई त्रिभुज। अब त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, इस बातों को समझिए। यहां से हम क्या करेंगे, इधर लंब डालेंगे, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, इधर डालेंगे लंब, और यहां से क्या करेंगे, इधर हम लोग क्या करेंगे, लंब डालेंगे। तो जहां पे तीनों रेखा आकर के मिलती है, इसी को कहते हैं केंद्रक, या इसी को गुरुत्व केंद्र भी बोला जाता है, और इसको जी से सूचित किया जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा, पूछे या ना पूछे, जो कंसेप्ट है आपको पढ़ाई करना है तो करना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है तो पढ़ना है। तो ये है क्या, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक आपको पूछा जाएगा। ये मान लीजिए कि ए था, एक्स वन कॉमा वाई वन था, ये आपका बी पॉइंट था, क्या था, एक्स टू कॉमा वाई टू, और ये आपका सी पॉइंट था, एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री था, ठीक है। इस स्थिति में आपको जी का क्या करना होगा, निर्देशांक बताना होगा। तो जी का निर्देशांक का फॉर्मूला याद रख लीजिए, जी का निर्देशांक बराबर होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री। तो ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या है, ये है एक्स वन, ये है एक्स टू और ये है एक्स थ्री, और बट्टे में तीन होगा तो ये कहलाएगा एक्स निर्देशांक, और दूसरा कॉमा ले लेंगे और ये कहलाएगा वाई निर्देशांक। तो वाई निर्देशांक क्या होगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री और बट्टे में थ्री। ये रहा आपका वाई वन, ये रहेगा आपका वाई टू और ये रहेगा वाई थ्री। तो अभी तो हम आपको जनरल रूप में बता रहे हैं, लेकिन इसको क्वेश्चन के रूप में हम लोग अगले जो क्लास होगा हम लोग का उसमें क्या करेंगे, इसको सीखेंगे। ये आप जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगले कुछ एक दो कंसेप्ट और है जिसको आप देख लीजिए, वैसे आप जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं तो वो समझ लीजिए कि अगला हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुल 7 पॉइंट हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आपको ज्यादा मदद मिलेगा। समझिए क्या है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है कि निर्देशांक को ट्रिपल डैश से सूचित किया जाता है। अगर आप डबल डैश देते हैं तो इसको कहते हैं बराबर, और अगर वहीं पे 3 दे देते हैं तो ये कहलाएगा निर्देशांक का चिन्ह। ये किसका चिन्ह है, निर्देशांक का चिन्ह है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है ए ट्रिपल डैश 3.4, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ए का निर्देशांक है 3.4। ए का निर्देशांक क्या है, 3.4। तो ये जो है आपका ट्रिपल डैश, ये क्या होता है कि जो इसको हम, ये निर्देशांक को इससे सूचित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि बिंदुएं a, b, c संरेख होगी यदि ab प्लस bc बराबर ac हो। ये क्या कहना चाहता है इसको समझिए। देखिए ये था बिंदु a, ये था बिंदु b, ये था बिंदु c। इस तीनों को आपने क्या किया, मिलाया। ये बिंदु a था, ये बिंदु b था और ये बिंदु c था। तो ये तीनों बिंदु, बिंदुएं a, b, c संरेख होगी कब, जब आप a से b के बीच का दूरी निकाल लीजिए। तो इसको क्या कहेंगे, ए बी बोलेंगे। फिर आप b से c के बीच का दूरी निकालिए, तो इसको क्या बोलेंगे, bc बोलेंगे। और फिर आप एक बार a से लेकर के c के बीच का दूरी निकालिए, तो इसको क्या बोलेंगे, हम ac बोलेंगे, ठीक है। तो अगर ab प्लस bc करते हैं तो आपको ac मिलता है, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि इस दोनों को जोड़ने के बाद अगर आप ac के बराबर कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आया 8, ये आया 3 और ये आया 11, तो
ये 8 और 3 मिलाकर कितना पूर रहा है, 11 पूर रहा है, तब तो हम बोलेंगे कि यह क्या है, संरेखी है। क्या है? संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है? संरेखी का मतलब होता है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे आएगा, एक ही रेखा पे आने का, एक ही सरल रेखा पे आएगा, एक सीधी रेखा पे आएगा। अब अगर कहीं पे ऐसे ऐसे करके बिंदु है तो क्या आप इस तीन बिंदु को एक रेखा पे ले सकते हैं? नहीं, ये एक बिंदु क्या हो गया, बाहर हो गया। तो इस ये जो बिंदु है, ये बिंदु और ये बिंदु संरेखी नहीं है, ये असंरेख कहलाएगा, मतलब ये एक ही रेखा पे नहीं आएगा। देख लीजिए, एक सीधी रेखा पे नहीं आया। तो जो बिंदुएं एक ही रेखा पे आ जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं संरेख बिंदु। और इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी अगर होता है तो वो क्या होगा, संरेखी होगा। संरेख साबित करने के लिए दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि बिंदुएं ए बी सी संरेख होती हैं यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 हो। अगर कोई बोल रहा है कि तीन बिंदु है, कितना बिंदु है, तीन बिंदु है, 1 2 3, तो ये जो तीन बिंदु है ये संरेख कब होगा, ये संरेख तब होगा जब इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब हम उसे क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे। 0 होगा कब, जब इससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, एक सीधा रेखा पे आ जाएगा तो ये क्या होगा, हम बोलेंगे कि इससे त्रिभुज बना नहीं है। त्रिभुज जब तक जो है नहीं बनेगा तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, 0 है इसका क्षेत्रफल। तो अगर जिस तीन बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा तो उसको हम बोलेंगे कि वह क्या है, संरेख है। ठीक है, इसी तरह से अगला पॉइंट आप याद रखेंगे जो कि आप लोग जानते होंगे, 8-9 से ही आप लोग पढ़ाई किए होंगे इस पॉइंट को, चौथे नंबर पॉइंट को। चौथा नंबर पॉइंट कहता है कि एक त्रिभुज समद्वि बाहु होगा यदि इसकी दो भुजाएं समान हो, समान मतलब बराबर हो। तो आप सभी जानते भी हैं कि जिस त्रिभुज का दो भुजा समान यानी कि दो भुजा बराबर होता है तो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगला पॉइंट है कि एक त्रिभुज समबाहु होगा यदि सभी भुजाएं समान यानी कि बराबर हो। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का सभी भुजा क्या हो, बराबर हो। जैसे कि ये देख लीजिए, ये भी 6 cm, ये भी 6 cm, ये भी 6 cm, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज होने के लिए शर्त क्या है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और सभी में होती कितना, तीन भुजा ही है, तो तीनों भुजा क्या होगी, बराबर होगी, तो हम कहेंगे इसको समबाहु त्रिभुज। अगला पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिए, 6 नंबर जो पॉइंट है वो है एक चतुर्भुज वर्ग होगा, कोई भी चतुर्भुज वर्ग कब होगा, यदि चारों भुजाएं बराबर हो तब हम उसको क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर कोई वर्ग है तो वर्ग का चारों भुजा तो सबसे पहले बराबर होना ही होना चाहिए, वो चारों भुजा बराबर होना चाहिए और दोनों विकर्ण भी क्या होना चाहिए, लंबाई में बराबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग होने का शर्त है कि चारों भुजा भी बराबर होना चाहिए और दोनों विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो। सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर होगा तो उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहेंगे। और ये सारा पॉइंट आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा, इसलिए जो कंसेप्ट के क्लास को आप लोग जरूर जो है देख लीजिएगा, और इसको अगर नहीं एक बार में समझ में आया तो दोबारा देखिएगा, इसके कंसेप्ट को याद रखिएगा, तब आपको इसका क्वेश्चन क्या हो पाएगा, समझ में आ पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस तरह से आप कंसेप्ट आपका आज कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में आप मत जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी जानते हैं कितना प्रॉब्लम होता है। आप लोग टेलीग्राम जो है डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ऐप एक व्हाट्सएप जैसा ही ऐप है, तो उस पर आप सर्च कीजिएगा LGR Study, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा LGR Study, तो टेलीग्राम चैनल सबसे ऊपर में चला जाएगा, वहां पे आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएगा।